महर्षि महेश योगी का नाम आप सभी ने शायद सुना होगा। अगर आपने उनका नाम नहीं सुना है तो कम से कम आपने ये सुना होगा, महर्षि विद्या मंदिर। उनके नाम से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड बनाए गए थे। महर्षि महेश योगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे। उनका कहना था जो भी ये मेडिटेशन करेंगे उनको किसी भी प्रकार के ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होगी। वो फेमस इंटरनेशनल बैंड द बीटल्स के भी स्पिरिचुअल गुरु थे और उनका अच्छा खासा प्रभाव बीटल्स के काम पे भी नज़र आया था जब से वो उनसे जुड़े थे। एक बात और जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ वो ये कि उनके पास एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको किसी भी धातु में टच करने से सोने में बदल जाता है, तो वो उनके पास था। और अगर आप उनके पास मिलने जाते और आप उनको किसी तरीके से खुश कर देते तो वो आपको सोने से तौल देते क्योंकि उनके पास पारस पत्थर था। तो इन सब बातों में आखिर कितनी सच्चाई है और ये सब आखिर कैसे हुआ, ये सब जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हम भारत के एक और महान योगी के बारे में जानेंगे। उनका नाम था महर्षि महेश योगी। उनका जन्म 1914 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका ओरिजिनल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होंने फिजिक्स में डिग्री लिया अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और उसके बाद ही वे अपने गुरु के पास चले गए अध्यात्म को एक्सप्लोर करने के लिए। उनके गुरु का नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। महर्षि महेश योगी कभी भी ये नहीं कहते कि वो जो भी बता रहे हैं वो उनका खुद का ज्ञान है। वे हमेशा से ये कहते हैं कि वो जो भी बता रहे हैं वो सब उनके गुरु का सिखाया हुआ है। वे अपने गुरु के बहुत ही करीब थे और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थे। सभी जो भी उनके आसपास रहते थे उनका कहना था कि वो एक शांत प्रवृत्ति के इंसान थे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था। 1953 में उनके गुरु की मृत्यु हो गई और उसके पहले ही वो अपने गुरु के इतने करीब थे कि वे शंकराचार्य भी बन सकते थे, बट क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार के नहीं थे इस कारण उनका काफ़ी विरोध हुआ और वे शंकराचार्य नहीं बन पाए। अपने गुरु की मृत्यु के बाद वे 2 साल के लिए साइलेंस में चले गए हिमालय पे। जब वे वापस लौटे तब उन्होंने पूरे दुनिया को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस कराया। 1958 में उन्होंने अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत की और 1960 के आते आते पूरे दुनिया में लोग उनको महर्षि महेश योगी के नाम से जानने लगे। 1960 के आखिर में और 1970 के शुरुआत में लोग उनको और भी ज़्यादा जानने लगे क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उनसे आके उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने लग गए थे। इसमें सबसे फेमस सेलिब्रिटी का नाम आता है द बीटल्स बैंड का। द बीटल्स बैंड उनसे जुड़ गए और उनसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी सीखे। इसी दौरान उन्होंने सिद्धि प्रोग्राम का शुरुआत किया जो कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एडवांस प्रोग्राम था। इसमें उनका दावा था कि लोग उड़ सकते हैं और इससे दुनिया में और भी ज़्यादा शांति आएगी। सन 2000 में उन्होंने ग्लोबल कंट्री फॉर वर्ल्ड पीस की स्थापना की जिसमें उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की जहाँ पर कोई भी बॉर्डर ना हो, कोई भी अप एंड डाउन ना हो, वहाँ पर कोई भी कास्ट सिस्टम ना हो, लोग खुश रहें, लोग सेहतमंद रहें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल कंट्री फॉर वर्ल्ड पीस आखिर क्या है, क्या क्या हो रहा है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का क्या मतलब होता है और बीटल्स से आखिर उनकी मुलाकात कैसे हुई। तो चलिए इन सभी चीज को हम एक एक करके समझते हैं। 1950 से 1970 के दशक तक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत ज्यादा फेमस था। जब भी मैं इस वीडियो में TM कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आंख बंद करके मेडिटेशन और मंत्र उच्चारण का कॉम्बिनेशन है। महर्षि महेश योगी ने बहुत ही साइंटिफिक वे में इसे दुनिया के सामने पेश किया। TM का ओरिजिन तांत्रिक ट्रेडिशन से होता है और यह वैदिक सिद्धांत पे भी आधारित है। इसमें आंख बंद करके 20 मिनट तक के मंत्रों का उच्चारण करना होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इन मंत्रों का उच्चारण साइलेंस में करना होता है और ये मंत्र हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। ये किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र दिया जाना चाहिए ये सिर्फ उनके गुरु तय कर सकते हैं जो TM उनको सिखाते हैं। और एक मंत्र दूसरे को नहीं बताया जाता। अगर आपके पास कोई मंत्र है तो वो सिर्फ आपके और आपके गुरु के बीच की बात है, वो और किसी को नहीं बताया जाता। TM का पर्पस होता है हमारे माइंड को रिलैक्स्ड अलर्टनेस की स्टेट में लेकर जाना। ध्यान दीजिए,
ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स्ड अलर्टनेस। अगर आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जाए तो आप लूज हो जाते हैं, या फिर अगर आपको अलर्ट होने के लिए कहा जाए तो आप टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन टीएम का पर्पस ये होता है कि आप रिलैक्स्ड भी रहेंगे और अलर्ट भी रहेंगे, ताकि आप अटमोस्ट एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं और सभी रिसर्च में ये बात पता चला है कि इससे हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल हेल्थ बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा हार्ट का हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बढ़ जाता है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी बढ़ जाता है। एंजाइटी जैसे इश्यूज से इसमें आराम मिलता है। इसके इतने पॉपुलर होने का एक और कारण यह भी है कि महर्षि महेश योगी ने बताया कि इसका किसी भी रिलीजन से कोई भी संबंध नहीं है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन आप टीएम का प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का सबसे क्रिटिकल पहलू और कंट्रोवर्शियल पहलू इसका फीस था, जिसका फीस था $1,000 से $2,500 तक के, मतलब ₹70,000 से लेकर ₹2,50,000 तक के 6 दिन के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए देना पड़ता था। लोग इसकी काफ़ी आलोचना करते थे, लेकिन जो भी महर्षि महेश योगी के संस्था से जुड़े हुए थे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, उनका कहना यह था कि अपने हेल्थ पे ये एक इन्वेस्टमेंट है। अपने हेल्थ के लिए, अपने सेहत के लिए लोग इतना इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, और साथ ही आज के डेट में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता, इस कारण उन्होंने इसका इतना फीस रखा है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एडवांस पार्ट भी होता है, जिसे सिद्धि कहा जाता है। सिद्धि का मतलब होता है पावर। वैदिक ट्रेडिशंस में, योगिक ट्रेडिशन में सिद्धि का मतलब होता है पावर। पावर किस प्रकार के, जैसे कि उड़ने की शक्ति आ जाती है, या फिर किसी के दिमाग पढ़ने की शक्ति आ सकती है, या फिर गायब होने की भी शक्ति आ सकती है। तो इस सिद्धि प्रोग्राम में एडमिशन लेने के पहले आपको 6 महीने तक के कंटिन्यू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना जरूरी होता था। उसके बाद ही आप सिद्धि प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कई लाख डॉलर्स इसके फीस भी देने पड़ते थे। मतलब इसके फीस हो सकते हैं कि 70 लाख से करोड़ों में भी हो सकता था। ये सब काफी कंट्रोवर्शियल इसलिए भी था क्योंकि इसका पुख्ता नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी को देखते कि वो टीएम सिद्धि प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको लगता कि वो बैठे बैठे छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते थे, उनका कहना था कि उनका शरीर इतना हल्का हो जाता था कि वो अपने आप उड़ने लगते थे। 1959 में महर्षि ने इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके सेंटर लंदन में थे, यूएस में थे, स्विट्जरलैंड में थे, और साथ ही साथ इसके 90,000 मेंबर्स बन गए। ये सारे मेंबर्स या तो रिकरिंग अपना डोनेशन देते थे या वन टाइम डोनेशन देते थे, जिससे इनके पास बहुत सारा धन आ गया और इनकी समृद्धि बढ़ गई। और इसी के बदौलत इनके पास रोल्स रॉयस भी थे और इनके पास हेलीकॉप्टर भी थे, और इनके धन पे भी सवाल उठाया जाता था तो ये कहते थे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सारा चीज़ संस्था का है, और जितना भी धन आपसे लिया जा रहा है वो सब किसी नेक काम में लगाया जा रहा है, कुछ सोशल सर्विस में लगाया जा रहा है, ये इनका कहना होता था। अब आते हैं बीटल्स से मिलने की स्टोरी पे। जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के लीड गिटारिस्ट थे, उनकी वाइफ का नाम पैटी था। उन्होंने महर्षि को लंदन में सुन लिया और वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसके बाद क्या था, उसके बाद उन्होंने बीटल्स के जितने भी फ्रेंड्स थे सबको जिद करने लगी कि चलो हम लोग महर्षि को सुनेंगे, और वो होटल हिल्टन पहुंचे पार्क लेन में। वहां पर वो महर्षि महेश योगी जब आए, उसके पहले से बीटल्स ने उनको मीडिया में कहीं देख लिया था, और मीडिया ने उनको गिगलिंग गुरु का टाइटल दे दिया था, क्योंकि वो समय समय पे हंसते रहते थे इंटरव्यूज में। आप तो जानते हैं मीडिया इस तरीके के कुछ भी कुछ करते रहती है। तो जब बीटल्स ने उनको देखा तो वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अच्छा यही है वो गिगलिंग गुरु। उस लेक्चर के खत्म होने के बाद ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया महर्षि से एक प्राइवेट ऑडियंस करने का, मतलब उनसे प्राइवेटली बात करने का। महर्षि ने उनको अपने होटल के सुइट में बुलाया, वहां पर भी 1.5 घंटे तक बातें करते रहे और कुछ जोक्स वगैरह चलते रहे। उसके बाद महर्षि ने उनको इन्वाइट किया अपने साथ एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जो कि नेक्स्ट डे से ही शुरू होने वाला था एक दूसरे शहर में। तो बीटल्स ने अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद नेक्स्ट डे का शेड्यूल एक्सेप्ट कर लिया, और वे सभी ट्रेन में उस शहर चले गए। उनके साथ मिया फेरो नाम की एक एक्ट्रेस भी गई थी, जो कि बीटल्स के साथ ही गई थी। लोगों का दावा होने लगा कि महर्षि महेश योगी उनके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए और उनको किसी तरह मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में बीटल्स ने इन सभी दावों को नकारा और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं। 1968 में बीटल्स ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वे अब महर्षि से नहीं जुड़े हुए हैं, और ये सब उनकी गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती थी जो वे महर्षि से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने सेक्सी सैडी नाम का
गाना भी बनाया जिसमें उन्होंने महर्षि का काफी मजाक उड़ाया था। 1992 में हैरिसन ने महर्षि के पास जाके पर्सनली माफी मांगा और उन्होंने कहा कि वो जो भी कर रहे थे वो बहुत ही गलत उन्होंने किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महर्षि हमेशा से उनके साथ प्रेम से व्यवहार किए थे और महर्षि के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को उनको काफ़ी फायदा पहुंचा था, जिसकी वजह से उनका ड्रग्स छूट गया था और ड्रग्स छोड़ने के साथ साथ वो काफ़ी और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके थे। द बीटल्स के पॉपुलैरिटी का भी महर्षि को काफ़ी फायदा पहुँचा। लीडिंग मैगजीन जैसे कि टाइम, इंडिपेंडेंट के कवर में उनका फोटो छपता था, क्योंकि वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के गुरु हो चुके थे। उनके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ह्यू जैकमैन, नाओमी वॉट्स, हॉवर्ड स्टर्न, हैदर ग्राहम, क्लाइंट ईस्टवुड एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी, बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन इनका नाम लेना, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि मेडिटेशन जगत के दिग्गज दीपक चोपड़ा और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, इन दोनों के गुरु भी महर्षि महेश योगी ही हैं। उन्होंने कई बार कई जगह इन बातों को बताया है। इन्होंने ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की स्थापना की, मतलब ये एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां पर कोई भी बाउंड्री ना हो। इसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और वैदिक ट्रेडिशंस के थ्रू पूरे दुनिया में शांति स्थापित करना और खुशहाली कायम करना। इसकी स्थापना 2002 में लोअर नाम के राज्य में हुई, जो कि अमेरिका में है, और इसका जो कैपिटल है उसका नाम है महर्षि वैदिक सिटी। इसके बहुत सारे एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स पूरे दुनिया के अलग अलग जगह में फैले हुए हैं, जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड एट्सेट्रा। इनका खुद का अलग से करेंसी भी है जिसका नाम है राम। एक राम की वैल्यू $10 के बराबर होती है। इस कंट्री के तहत जितने भी बिल्डिंग्स बनेंगे वे सभी वैदिक आर्किटेक्चर पे आधारित होंगे। इनके अलग अलग कंट्री के हेड को राजा कहा जाता है और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनको गवर्नर ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। इन सभी लीडर्स को मिला के जो एक लीडर हैं उनको फर्स्ट रूलर कहा जाता है, जो कि टोनी नाडेर हैं। ये जितने भी राजा हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जितने भी हेड ऑफ द स्टेट हैं, वे सारे काफ़ी पढ़े लिखे हैं और सभी समृद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं, सभी अपने आप में समृद्ध हैं। इनका नेटवर्थ एस्टिमेट किया गया था 2002 में, तब इनके रियल एस्टेट चीज़ों की वैल्यू ही $2-5 बिलियन के बीच की आई थी। इसके अलावा इनका इनकम भी बहुत हाई था, जो कि मिलियंस ऑफ यूरोस में था। इस कारण वे काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। ये जितने भी लिक्विडिटी उनके पास थी वे सब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और रियल एस्टेट के बिजनेस ट्रांजेक्शंस के थ्रू उनको मिला था। बचपन में मैंने ये भी सुना था कि अगर आप इनके पास जाके इनको खुश कर देते हैं तो ये आपको सोने से तौल देते हैं, क्योंकि इनके पास पारस पत्थर है। लेकिन ये बात मुझे र्यूमर ही लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि ये अपने गुरु के कितने करीब थे। लोग कहते हैं कि इनके गुरु के पास पारस पत्थर था। जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई और उनको एक जगह एक लेक में बहाया गया, तब महर्षि महेश योगी भी दौड़कर अपने गुरु के पीछे चले गए। वहाँ पर उनके गुरु ने उनसे बात की और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पूरे देश में शांति की स्थापना करने की, और उसके लिए उनको धन की ज़रूरत भी होगी, और उस धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको पारस पत्थर दिया गया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिस पे विश्वास करने का मन तो ज़रूर करता है, लेकिन ये एक र्यूमर है। मुझे पता है कि ये वीडियो देख करके आप सभी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा और आप लोग भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखना चाह रहे होंगे या फिर उसके बारे में और भी जानकारी चाह रहे होंगे। तो महर्षि महेश योगी ने कई सारे बुक्स लिखे हैं, उनका रिकमेंडेशन मैं आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उन बुक्स को जाके देख सकते हैं, उन्हें पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगला वीडियो आप किस महान स्पिरिचुअल शख्स के ऊपर बनवाना चाहते हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।